दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नेपालगंज में नियर टोलीगंज मेट्रो स्टेशन, अर्थात ये इसका नाम है अभी उत्तम कुमार, महानायक उत्तम कुमार, महानायक उत्तम कुमार के सामने स्टेशन के सामने एकदम। तो दादा हम लोग तो यहाँ पर आ चुके हैं, आपका प्रोजेक्ट हम लोग भी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आपका नाम बताइए, इस प्रोजेक्ट का इन फ्यूचर में क्या क्या होगा जो वगैरह जो। हाँ हाँ हाँ, नमस्कार सर, हमारा नाम आकाश है। ठीक है, तो यहाँ के जो प्रोजेक्ट है ये टालीगंज से 20 मिनट के अंदर है। Okay. ठीक है, तो टालीगंज कबरडंगा आप लोग पहचानते हैं, टालीगंज कबरडंगा से आपका 15 मिनट लगेगा। ठीक है, बाय ऑटो 15 मिनट लगेगा। ठीक है, तो आप अगर आप मतलब मेट्रो सिटी पार्क विलास और अगर गूगल में एलजीडी लॉ कॉलेज आप सर्च करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है सर हम लोगों का तब इनिशियल स्टेज में है। अभी हम लोग का जो अक्टूबर महीना था, अक्टूबर के मतलब अक्टूबर का जो महला था, बंगाली में जो महला बोलते है, हाँ हाँ, महला में स्टार्टिंग हुआ है। तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है देख रहे हैं आप, बंगलो प्रोजेक्ट, हम लोगों का जो मॉडल बंगलो कम्प्लीट हो गया है, बहुत ही सुंदर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हाँ दादा बोलिए। हाँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए जो ये जगह बुकिंग हो गया ऑलरेडी, अगला कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा है। ये दो तोला, हाँ हाँ, ये जी प्लस वन स्टूडेंट बिल्डिंग है आपका, वहाँ पे कार पार्किंग, कवर कार पार्किंग, पूरा का पूरा बाउंड्री वॉल, लाइटिंग वगैरह सब कुछ ऑल टोटल कम्प्लीट करके हम दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ फर्निश नहीं मिलेगा, फर्नीचर आपको आपको अलग से लाना पड़ेगा। इसका इसके अलावा सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और सामने हम लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल, चलिए हम लोग थोड़ा अंदर में जाते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं। और यहाँ पर जो देखते हैं कुछ सुंदर सा एक गार्डन वगैरह है, ये देखिए दोस्तों गार्डन भी है, यहाँ पर आप गार्डन भी कर सकते हैं। और अभी हम लोग अंदर जाएंगे। अच्छा दादा, ये बगल में जो है ये, हाँ, ये क्या है? ये एक्चुअली हम लोगों का जो है, ये एक्चुअली हम लोगों का जो है कवर कार पार्किंग होगा। ठीक है, मतलब अभी तो हम लोगों का मॉडल बंगलो है इसलिए यहाँ पे अभी ऑफिस वगैरह है। ठीक है, मगर आप जो कस्टमर जब लेंगे तो उनको ये कार पार्किंग मिलेगा, और उसके साथ साथ जो सामने वाला है ना वहाँ पे आपको एंट्रेंस मिलेगा। चलिए, मतलब दोनों एंट्रेंस आपको मिलेगा, यहाँ से एक एंट्रेंस है, यहाँ पे एक एंट्रेंस मिलेगा आपको और वहाँ पे एक एंट्रेंस मिलेगा आपको। ठीक है ना, वहाँ से आप इंटर कर सकते हैं, यहाँ पे से भी इंटर कर सकते हैं। और यहाँ के आपका मेन जो है वो ये है, नहीं नहीं मेन जो होगा वो यहाँ से होगा, ये यहाँ से। हाँ 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 हाँ, क्योंकि जो आपने बोला, हाँ 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 हाँ, कार भी यहाँ से ही घुसेगा, मतलब ये जो वॉल दिख रहा है अब ये तब नहीं रहेगा, तोड़ के। हाँ हाँ हाँ, ये एक्चुअली ये तोड़ के नहीं, मतलब जो कस्टमर जब लेंगे हाँ? तो उनका वैसा ही मिलेगा, मतलब उनका अलग से डेमोंस्ट्रेशन होगा। डेमोंस्ट्रेशन होगा, अच्छा, ये वाला अलग है इसलिए हम लोगों का डेमोंस्ट्रेशन है जो है ना, समझ में। हाँ, इसलिए ऑफिस अलग से करके देखा। तो आप समझ ही सकते हैं, ये सुंदर सा एक रूम वगैरह है, अगर आप लोग आना चाहते हैं यहाँ पर तो देख ही सकते हैं। दादा जो है, दादा का नंबर दे देंगे और स्क्रीन में भी आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अंदर, चलिए आइए अब अंदर जाते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अंदर। ये खूबसूरत सा एक गेट है, वेल फर्निश वाला है, सब कुछ है। अच्छा, यहाँ पर अंदर आने के पहले किचन, हाँ किचन में सब कुछ ही है, ये आपका पूरा का पूरा मॉड्यूलर किचन आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप अगर आपको मतलब जो भी कस्टमर को चाहिए, जो हाँ, यहाँ पे आपका किचन नहीं होगा, लिविंग रूम होगा, डाइनिंग होगा, वो कर सकते हाँ, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये हम लोगों का सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पे किचन वगैरह रखे है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर दोस्तों हम देख ही सकते है, ये है और एक रूम है, ये हम लोगों का लिविंग रूम है। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा है। अच्छा दादा, और एक बात है, यहाँ पर जो एक और भी डोर है, हाँ हाँ हाँ, इसके बगल में क्या है? इसके बगल में कुछ नहीं, यही एंट्रेंस होगा आपका, यही एंट्रेंस होगा जो आपने बाहर बताया। हाँ हाँ हाँ, और यहाँ पर और एक सुंदर सा एक विंडो है। अच्छा, तो ये है
बाहर का और एक एंट्रेंस, एंट्रेंस और उसके बगल में आपको कार पार्किंग मिलेगा, वो भी कवर कार पार्किंग रहेगा। अच्छा, तो चलिए हम लोग बाहर से तो दिखाएंगे जरूर। और यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख ही सकते हैं, कुछ सुंदर सा है। वेल फर्निश। और जो अट्रैक्शन मुझको सबसे अच्छा लगा ये है, ये झालर बहुत ही खूबसूरत है और एकदम एसी भी लगा हुआ रखा है। और यहाँ पर जो सोफा वगैरह है, टीवी वी अगर मूवी आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, तो यहाँ पर बैठकर, चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर बैठकर। हाँ, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है ये, आप देख ही सकते हैं। सो मैं अभी तक जो बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये वो है कि अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर एकदम रेडी टू मूव फर्निश्ड फ्लैट आपको मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से आइए, कांटेक्ट कीजिए, हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिया हो रखा है। तो दादा नेक्स्ट हम लोग कौन से रूम में जाएंगे, आइए ऊपर चलते हैं। चलिए, ये हम लोगों का जो है बाथरूम है, ठीक, ये कॉमन बाथरूम। हाँ हाँ, ये एक्चुअली कॉमन बाथरूम है, ठीक। ओके, ये आपको यहाँ पे मॉडल बंगलो इसलिए छोटा मिल रहा है, मगर जो कस्टमर लोगों को मिलेगा उससे बड़ा होगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग खाना भी देख सकते हैं, वॉश वॉश करने के लिए टूल वगैरह मिलेगा, ठीक। तो नेक्स्ट भाई, वो देख रहे हैं ये सब मार्बल जो है फिनिशिंग, उस पूरा का पूरा जयपुर से आया हुआ है। ये जयपुर से? हाँ हाँ, पूरा का पूरा मार्बल आपको जयपुर से मिलेगा, मार्बल फिनिश वाला जो मिलेगा, ठीक है। और ये पे आप एक बाथटब भी मिलेगा आपको, क्या बोलते हैं, फ्रिज होने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक स्टोरेज भी मिल जाएगा आपको, स्टोरेज भी मिलेगा और फ्रिज भी है, जनरेटर वगैरह जो भी है स्टोरेज करने के लिए आपको मिल सकता है ये अभी। तो यही है आपके सामने। तो चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। हाँ, ये आपका स्टेयरकेस रहेगा, ठीक है, पूरा का पूरा ग्रेनाइट से मिला हुआ ये। हाँ हाँ हाँ, पूरा का पूरा ग्रेनाइट पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर है ये। हाँ हाँ हाँ, पूरा का पूरा ग्रेनाइट मिलेगा आपको स्टेयरकेस में, जो भी मिलेगा पूरा का पूरा ग्रेनाइट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आते, वाओ दोस्तों देख लो, एकदम सही से वेल फर्निश वगैरह है। ये लाइट वगैरह जो फॉल सीलिंग वगैरह है, ये लाइट जलने के बाद बहुत ही सुंदर सा लगेगा, आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पर लाइट है इधर पर, ये है लाइट वगैरह, और ऐसे ही दिखेगा आपके यहाँ पर इंटर्न्स के आने के बाद। तो बने रहिए फॉरएवर वॉल के साथ, और भी ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत सा वेल फर्निश्ड जो रूम वगैरह है वो देखने के लिए। तो भैया ने जो भी अभी बताया, ये है और एक रूम, मानो कि ये सीढ़ी से आप अगर ऊपर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा एक रूम, दो रूम, और ये थर्ड वाला रूम। ये थर्ड वाला रूम में जो ये इसमें भी है फॉल्स सीलिंग वगैरह, सो इसका भी आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको आने की देरी है। यहाँ पर एक खूबसूरत सा बाथरूम भी मिल जाएगा आपको, ये देख सकते हैं आप, ये इंडियन इंग्लिश दोनों एक साथ ही मिलेगा, ये कॉमन और एकदम कॉम्पैक्ट सा है, ज़्यादा या कम कोई भी नहीं है। ये शवर वगैरह है, ये मुंह धोने के लिए है, ये यहाँ पर जो इसका भी बंदोबस्त भी है आप देख ही सकते हैं। सो ये है बाथरूम, ये है टॉयलेट का, और यहाँ पर है, यहाँ पर आपको कोई कुछ ऐसे ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तो नाइट लैंप है, कैसे दिखता है ये हम देख लेते हैं। एसी भी है, रखा हुआ है, ये गर्मी में एसी बहुत ही ज्यादा, ये देखिए खूबसूरत सा एक।
अच्छा, कवर्ड वगैरह जो है यहाँ पर रखा हुआ है, अब देख ही सकते हैं यहाँ का स्पेस है, ये देख लीजिए। और एक कवर है यहाँ पर, ये भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ मैंने नहीं बताया ये है फ्लोर, जिसका फ्लोर जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है। और चलिए, ये तो हुआ एक का, और इसमें हम लोग आएंगे, इसके साथ और एक भी चीज़ है, आपको अच्छा लगेगा। सो यह इसको बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हम लोग आते हैं नेक्स्ट ये रूम कवर करने के बाद। जो ये रूम है, इसके अंदर हम लोग जब आएंगे तो बगल में एक छोटा सा टॉयलेट मिलेगा। ये देख लो, एक खूबसूरत गीजर भी है, शावर भी है, और फिर से एक सुंदर सा जो मिरर है वो भी है। यहाँ पर ज़रूरत का जो सामान वगैरह हो तो आप ले सकते हो। वॉशरूम का वॉश का यानी हैंड वॉश का जो सुविधा भी है, और एक नल का पानी। तो चलिए, बाथरूम को छोड़कर हम लोग आगे निकलते हैं। सो इधर पे जो रूम वगैरह है हम देख लेते हैं। इधर है और एक ठो रूम, ये देखिए खूबसूरत सा, ये चार्जर पॉइंट है, ये है बेड का चार्जर पॉइंट, फैन का भी, लाइट वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये लाइट का देख लीजिए, ये फैन का हुआ, ये है फॉल सीलिंग का, फॉल सीलिंग हम लोग ऑफ करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। इसमें भी एसी है, और देखने में ऐसा होगा शायद। यहाँ पर भी एक वार्डरूम है, अगर आपका वार्डरूम बहुत बड़ा है, ये एक वार्डरूम है, वो एक वार्डरूम है, और बगल में और एक भी वार्डरूम है, इसका थोड़ा स्पेस देख लीजिए। यहाँ पर मेरा जो हाथ ये अंदर तक जा रहा है, बहुत ही स्पेस है, आप लोग करीबन देख ही सकते हो ये वीडियो के थ्रू। ये एक दो और तीन ये रखा हुआ है, और इसका बगल में जो है, यहाँ पर बंद कर दीजिए, ये एक बड़ा सा विंडो है, ये विंडो आप देख ही सकते हो, ये एक विंडो है बेड के एकदम बगल में, ठीक है, और एक है ये है। सो चलिए, बने रहिए, कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट जो रूम है, जो मैंने आपको बोला, एकदम यहाँ से स्टेयर से एकदम सीधा जो है वो ये है। और एक तो रूम क्यों मैंने बोला, इसके लिए बोला, चलिए देख लेते हैं। ये है सबसे अट्रैक्टिव वाला पोर्शन, अगर आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो यहाँ पर आइए, ज़रूर आइए। बहुत ही सुंदर सा है ये, वहाँ पर एक फ्लैट है, ये है 2.5 कट्ठे के ऊपर, यहाँ पर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। गार्डनिंग वगैरह आप कर लोग कर सकते हो तो कर सकते हो, यहाँ पर वहाँ पर भी है एक छोटा सा गार्डन वाला, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। तो एक्चुअल में ये है 4 BHK, ये है 4 BHK, आपको ये 2.5 कट्ठे के ऊपर मिलेगा, ठीक है, 4 BHK मिलेगा। आप जो देखे मॉडिफिकेशन आप जैसे चाहे कर सकते हैं, इंटीरियर में मॉडिफिकेशन आपका हो जाएगा सब कुछ। अच्छा। मतलब बाहर का आपका नहीं होगा, एक्सटीरियर में नहीं होगा, इंटीरियर आप जहाँ पे चाहे बाथरूम वगैरह और आपका किचन वगैरह, लिविंग रूम वगैरह, आप जहाँ पे भी शिफ्ट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। ये सब कुछ आपका हो जाएगा।
और ये 2.5 बीच के मिलेगा आपको, कवर कार पार्किंग इसके साथ आपको मिल जा रहा है, पूरा का पूरा गार्डनिंग एरिया आपको मिलेगा, ठीक है, पूरा का पूरा बाउंड्री वॉल करके लाइटिंग करके हम दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कितने में आएगा? हाँ, वो कितने में आएगा और ये कितने में है? नहीं, ये टोटल आपका 2.5 कटक के ऊपर है, कटक है ये टोटल सब कुछ मिला के आपको 80 लाख में मिलेगा, 80 लाख में मिल जाएगा। अच्छा। लाख के आप सब कुछ कंप्लीट करके हम दे रहे हैं आपको, पूरा का पूरा लैंड समेत आपको मिलेगा, ठीक है। और जो आपने बोला, जो हम लोगों का, हाँ हाँ, जो हम लोगों को स्टार्टिंग है वो भी तो एक फोर बीएचके है, हाँ हाँ हाँ, ये बगल में है, हाँ, ये वाला 3 BHK है, ठीक है, ये वाला 3 BHK, हाँ वो वाला 3 BHK है, वो 2.5 BHK एक्चुअली, तो हम लोग उसको 3 BHK बोल सकते हैं, क्योंकि एक बेडरूम मिलेगा, एक लिविंग रूम मिलेगा आपको, ठीक है, उसके साथ किचन मिलेगा, 2 बाथरूम मिलेगा, ठीक है। अच्छा। और ऊपर 2 बेडरूम मिलेगा आपको, वो आपका 1.75 कट्टा, वो 2 कट्टे के ऊपर है, ठीक है, 2 कट्टे के ऊपर, 2 कट्टे के ऊपर आपको मिलेगा, आपको 48 के स्टार्टिंग है। और उसके बगल में जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन वगैरह है, वो वाला भी सेम है, सेम टू सेम उस लाइन में, सेम टू सेम वही एक ही वाला मिलेगा। अच्छा, वो सामने वाले में 2.5, हाँ हाँ, वो वाला में 2 कट्टे के जमीन के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, मतलब वो, और इस विंग पे, इस विंग पे सब कुछ आपको 2.5 कट्टे बोर्ड मिलेगा, पूरा कवर 2.5 कट्टे बोर्ड। तो हम लोगों का जो 4 वेरिएंट आपको मिलेगा, ठीक है, पहला आपको एरिना मिलेगा, वो आपको 1300 स्क्वायर फुट के ऊपर मिलेगा, टोटल कवर कार पार्किंग गार्डनिंग वगैरह सब कुछ मिला के आपको रहेगा, ठीक है, लैंड एरिया सब कुछ आपको मिल जा रहा है, वो आपको 48 में मिलेगा, और स्टार्टिंग है आपका, बेस प्राइस है, ठीक है। और वहाँ से उसके बाद आपको प्लैटिनम है, उसके बाद आपका रॉयल है, रॉयल के आप तीन, मतलब तीन मिलेगा, रॉयल 1, रॉयल 2, रॉयल 3, उसके बाद मेट्रो पैलेस है, ठीक है, ये चार तरफ का हम लोगों का मॉडल बंगलो रह रहा है, ठीक है। और आप, आपका जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा दादा, तो फ्लैट का जो प्राइस वगैरह है ये अगर थोड़ा और डिटेल में बताएं। हाँ, हम लोगों का जो बंगलो रहेगा, ठीक है, अब 48 से स्टार्टिंग होगा, 48 से, हाँ हाँ हाँ, 48 से आपको स्टार्टिंग मिलेगा, लैंड वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा उसके साथ ही, और 2 कट्टे के जमीन के ऊपर आपको मिलेगा 1300 स्क्वायर फुट का, 1300 स्क्वायर फुट का मिलेगा, 48 से और स्टार्टिंग है, 48 से स्टार्टिंग है। और इसका कोई प्री बुकिंग वगैरह कुछ? प्री बुकिंग वगैरह मतलब हम लोगों का जो प्राइस है वो आपको सिर्फ, मतलब उसमें कहीं भी जाएगा इतने कम में आपको कोई भी बुकिंग नहीं देगा। अच्छा। आपको सिर्फ 1 लाख रुपया देना है, ठीक है, 1 लाख में, हाँ 1 लाख में आपको बुकिंग हो जाएगा। अच्छा। और उसके बाद आप लोन में जा सकते हैं, लोन के वगैरह मतलब हम लोगों का जो लोन है 80-90% होता है, ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ 10-20% देना है, और वो भी 10% आपको एक साथ नहीं देना होगा, ठीक है, वो आपको सिर्फ मतलब जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा तब तक आप पार्ट पार्ट में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने जो दिखाया ना स्टार्टिंग में एकदम, हाँ हाँ, ये फ्लैट का जो पार्किंग वगैरह जो, हाँ हाँ हाँ, सुविधा वगैरह है, तो हाँ, इसका और कुछ वगैरह है पार्किंग का? नहीं, एक्चुअली हम लोगों का जो बंगलो मॉडल रहेगा, ठीक है, हाँ। और बंगलो के लिए आपको मतलब हम लोगों का जो रास्ता होगा, ठीक है, वो आपको 20 फुट से ज्यादा मिलेगा रास्ता, और ठीक है। अच्छा। और 20 फुट रास्ता के मतलब आप दो साइड में दोनों गाड़ी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इजीली रख सकते हैं, यही हम लोगों का मतलब जो बंगलो लेगा वो तो उसका सामने ही रखेगा, ठीक है, एकदम, तो बंगलो में सामने भी रख सकते हैं और पार्किंग में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक जैसे इम्पोर्टेंट वगैरह क्वेश्चन वगैरह है यहाँ पर सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी का मतलब हम लोगों का जो सर्विस रहेगा 24 आवर सिक्योरिटी सर्विस रहेगा, ठीक है, उसके साथ साथ पूरा का पूरा हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा रहेगा, सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल है, देखिए यहाँ पे भी लगा रखा है, ठीक है, बंगलों में लगा रखा है। अच्छा, वो जो हम लोग देख रहे हैं दूर से वहाँ पर भी है, ये कैमरा में शायद नहीं आ रहा है, इसमें भी है क्या? एकदम यहाँ पे भी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर का। अच्छा, यहाँ पर भी है, ये दो है, हाँ 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 हाँ, पूरा का पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, ठीक है, सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त एकदम एकदम एकदम। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक यहाँ पर कोई व्यवसाय हम बोल रहे हैं आपको, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी ऑल टोटल आपका एमिनिटीज मिल जाएगा, स्विमिंग पूल, जिम, आपको चिल्ड्रन पार्क वगैरह, ठीक है, उसके साथ साथ फिशिंग लेक, नहीं उसके साथ, उसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा फी नहीं, मतलब हम लोग का जो एडिशनल है उसके साथ ही 48 में आपको इंक्लूडेड है, ठीक है, वो लाइफ टाइम के लिए है, हाँ हाँ वो लाइफ टाइम के लिए है, उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा, जो मेंटेनेंस वगैरह होगा वो महीने के 500 से 1000 रुपया देना होता है, हाँ हाँ वो कंपलसरी है, वो सब लोगों को देना होता है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। और आपको मतलब स्विमिंग पूल, जिम, योगा ट्रैक, ठीक है, चिल्ड्रेन पार्क वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और वो भी इंक्लूडेड है एमिनिटीज में, ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा आपने बोला ना यहाँ पर एक लॉ स्कूल वगैरह, हाँ हाँ हाँ, वो देखिए जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, वो एक लॉ कॉलेज है, एलजीडी लॉ कॉलेज जो टालीगंज कैंपस के अंदर पड़ता है, ठीक है, उसके बगल में ही जो जगह पड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भी टालीगंज का लॉ कैंपस आ रहा है G+12 का, वाओ, ठीक है,
तो और उसके उसके बगल में जो है वो हमारा जो कमर्शियल एरिया है वहाँ पे, वहाँ पे आपका सुपर मार्केट वगैरह ठीक है, क्लिनिक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। मतलब जब एंटरटेनमेंट पर्पस से अगर कोई मॉल वगैरह आपको मिल जाएगा, मॉल वगैरह आपको सामने ही ठीक है, और यहाँ से एक किलोमीटर जाएंगे तो वजह सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ सेंटर भी आपको मिल जाएगा, हेल्थ सेंटर भी सामने ही है ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग का जो सामने जो मतलब रोड है वहाँ से 2-3 किलोमीटर के अंदर ठीक है आपको स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सेंट जेवियर स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल, हाँ हाँ सेंट जेवियर स्कूल मिलेगा, सेंट जेवियर कॉलेज मिलेगा आपको, केई कार्मेल स्कूल मिलेगा, हाँ 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 दोनों दोनों एक साथ ही है, पास पास ही रहेगा ठीक है। इस रोड के ऊपर ही मिलेगा आपको, एमजी रोड वगैरह जो है ना हम लोगों का वहाँ पे ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखने आए हैं तो कैसा लगा? जा यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, हो रहा है, हाँ ये प्रीमियम क्वालिटी का है, ये प्रीमियम क्वालिटी का है, ये प्रीमियम क्वालिटी का है, बहुत सही है। इनका जो कंस्ट्रक्शन है, इनकी जो सर्विस है, फैसिलिटीज अच्छी है, पसंद है मुझे। अच्छा, सो दोस्तों आप सुन ही सकते हो, तो यहाँ पर तो और भी ज्यादा है, यहाँ पर एक कॉलेज वगैरह हो रहा है, ये सामने एक बाजार है 1 किलोमीटर के अंदर। हाँ, अगर ये सब होता है तो अच्छी बात है। सो थैंक यू दादा, इतना सुंदर सा एक टूर हमको दिखाया है, ये जो बंगलो है बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा। सो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा इंक्वायरी है जो मैंने ऊपर मैंने आपको सुन लिया, मैंने पूछ लिया, तो और एक दादा के साथ मेरे बातचीत भी हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने पूछा, सो उनका भी रिव्यू भी हमने डाल दिया। सो दोस्तों आप देख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दीजिए आप। तो और एक चीज़ है, अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहे इन फ्यूचर में तो क्या कैसे करे, तो ये कि परमिशन होगा या आपके पास या फिर? नहीं, आपका इंटीरियर में जो जो आपको मॉडिफिकेशन चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब मतलब आउटर साइड नहीं होगा, इंटर साइड आपको सब कुछ मिल जाएगा ठीक है। ओके, मतलब इंटर साइड आप जितना भी चाहे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अच्छा ठीक है, और इसका जो वगैरह है कनेक्टिविटी, अगर कोई दमदम से आए या फिर एयरपोर्ट से आए, डायरेक्ट मेट्रो पकड़ के टालीगंज चले आए, उसके बाद ऑटो और वगैरह बस वगैरह लेके आप चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा प्रोजेक्ट के सामने आपको उतरेगा ठीक है। एकदम मतलब मेट्रो से कनेक्टिविटी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मेट्रो आपको टालीगंज मेट्रो नियर मिल जाएगा, जो का मेट्रो भी है आपका ठीक है। और आप टालीगंज से आएंगे तो आपको सुविधा ही होगा, टालीगंज से आप बस और ऑटो पकड़ के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से रात 12 बजे तक भी ऑटो वगैरह सब कुछ चलता है, और आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कोई इशू आपको नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम लोगों का जो होगा वो शटल सर्विस आपको प्रोवाइड कर देगा ठीक है। जब प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा आपको टालीगंज तक, हम लोगों का ऑफिस में मतलब ऑफिस आवर्स में जो लोग जाते हैं, कस्टमर जो जाएंगे ऑफिस को, वहाँ पे आपको छोड़ दिया जाएगा वहाँ पर भी। अच्छा, ये भी फैसिलिटी है, ऑफिस आवर्स में आपका जो ट्रांसपोर्ट वगैरह कॉन्फ्रेंस आपको रहेगा। वाह, अच्छा, और एक बात है, अगर मानो कि कोई भी रिचुअल हुआ, कोई भी शादी वगैरह कुछ हुआ, तो यहाँ पर हॉल, बैंक्वेट हॉल सब कुछ वगैरह रहेगा ठीक है। okay. स्विमिंग पूल, जिम, ये सब तो रहेगा ही रहेगा ठीक है, वो इंक्लूडेड होगा ना, वो इंक्लूडेड ही होगा, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं देना होगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपने ऊपर में बोला स्विमिंग पूल वगैरह, जिम वगैरह सब 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 मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, स्विमिंग पूल, जिम, वॉकिंग ट्रैक ठीक है, वॉकिंग ट्रैक, उसके साथ चिल्ड्रेन पार्क भी मिलेगा, चिल्ड्रेन पार्क भी होगा, एकदम एकदम। यहाँ पे आपका लेक भी मिल जाएगा ठीक है, लेक, राइट, लेक, वो जो लेक है फिशिंग लेक है ठीक है, आप फिशिंग भी कर सकते हो और बोटिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज तो है, जरूर है, ये है सुबह को अगर कोई मॉर्निंग वॉक करना चाहे तो उसके लिए यहाँ पर जो वॉकिंग ट्रैक तो मिलेगा ही, महंगा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा रास्ता ही है ठीक है, उसके लिए वॉकिंग करने के लिए इसलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगा ठीक है। तो दोस्तों आप सुन ही सकते हैं जो दादा ने बोल दिया, एकदम क्लियर कट, और दादा पूरा का पूरा बंगला का जो मुझको टूर दिया, ये तो मैं तो वाव रह गया। थैंक यू सो मच दादा, अब आइए एक बार पसंद कीजिए, उसके बाद जो डिस्कस होगा करिएगा ठीक है। ओके, पसंद हुआ तो आपको सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 80-90% लोन होता है, पूरा का पूरा SBI से लोन अप्रूव है ठीक है। हाँ, लोन आपका मिल जाएगा, और आपको सिर्फ सैलरी स्लिप और आपको जो बिजनेस वगैरह है तो बिजनेस का उसका पेपर देना होगा, पेपर हाँ हाँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ है, और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में कोई फ्रॉडगिरी यहाँ पे नहीं होता सर ठीक है। जो रियल एस्टेट वाला प्रॉपर्टी होता है वहाँ पे बहुत फ्रॉडगिरी चलता है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी के फ्रॉड नहीं है ठीक है, पूरा पूरा SBI अप्रूव है हमारा। अच्छा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का लोन ही SBI अप्रूव हो जाएगा, टाइप है आप लोग एकदम 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 SBI टाइप है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, आप जहाँ पे भी लेंगे 80-90% आपका लोन हो जाएगा, लोन हो जाएगा एकदम एकदम। तो दोस्तों आप सुन ही सकते हो, अगर कोई इनकेस 48,000 आपने बोला, यहाँ पर जो वगैरह ये जो हम लोग फ्लैट में है ये तो 48 लाख आपने बोला, नहीं
नहीं, यहाँ पे जो ये? है ये मतलब हम लोग अच्छा, और ये है ढाई कट्ठे के ऊपर, ढाई कट्ठे के ऊपर आपको, और वो है दो कट्ठे के ऊपर, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, मतलब आप जो जितने भी बंगलो देखेंगे वहाँ पे भी आपको कवर कार पार्किंग मिलेगा, ठीक है, उसके साथ साथ आपको गार्डनिंग भी मिलेगा, पूरा का पूरा बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ, मतलब पूरा का पूरा आपका इंडिविजुअली रहेगा, इंडिविजुअली रहेगा, जो हाउस होता है आपका इंडिविजुअली, यहाँ पे पूरा का पूरा इंडिविजुअल हाउस की फील ही देगा आपको। वाओ वाओ एक्सीलेंट। सो ज्यादा कुछ टाइम ना लेते हुए मैं आपसे अलविदा कहना चाहता हूँ। सो टाइम ना लेते हुए मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा लगा ये मैं कहना चाहूँगा, और दोस्तों आइए, ज़रूर आइए, बने रहिए हम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच दादा, वन सेकेंड आकाश दा, देखा होगा नेक्स्ट टाइम में, आवार आशबो, आवार आशबो, आशुन कोनो अस्विदा नहीं, ज़्यादा इंक्वायरी थाके अभी फोन करूँ, कॉन्टेक्ट करूँ, कोनो अस्विदा नहीं, सब कुछ शॉर्ट आउट हुई। ये थोड़ा हिंदी में बात कर लीजिए। ओ बांग्ला ही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये थोड़ा हिंदी में भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। आप लोगों का जो भी क्वेरी हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से, हम लोगों का नंबर आपको शो करेगा, ठीक है, स्क्रीन पे ऊपर, ठीक है, आप कॉन्टेक्ट करिए हम लोगों का, आपका जो भी इशू होगा हम सॉल्व कर देंगे। अच्छा दादा, यहाँ पर कोई मंदिर वगैरह या चर्च वगैरह कुछ है? हाँ हाँ, यहाँ पे आपका सामने ही हम लोग को प्रोजेक्ट के अंदर ही मंदिर आपको मिल जाएगा, और सामने आपको रास्ते में आप जो टालीगंज से आप आएंगे वहाँ पे 2 से 3 चर्च आपको मिलेगा। और आपने सुना होगा सेन वार्न का, जो सेन वार्न में बहुत बड़ा क्रिकेटर है, उसका एक चाइल्ड एज होम भी यहाँ पे मिलेगा, उसका भी चाइल्डलेस होम इधर पर है। वाओ, अब आएंगे तो आप दिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग दिखाएंगे जरूर वीडियो के थ्रू। थैंक यू वन सेकेंड। चलिए।